हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज अपन बात करने वाले हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है तथा हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला ये रहा ओवम। ओवम किसे कहा जाता है? तो 0 से लेकर 14 डे का जो चाइल्ड होता है, यानी कंसेप्शन से लेकर एज ऑफ गेस्टेशन, यानी 14 डे की जो उसकी आयु होती है, तो उसे ओवम बोला जाता है। नेक्स्ट एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किसे कहा जाता है? तो 14 डे से लेकर 8 वीक तक की जो प्रेगनेंसी होती है, उसमें जो चाइल्ड होता है, उसे एम्ब्रियो बोला जाता है। नेक्स्ट है फिटस। फिटस किसे बोला जाता है? तो 9वीं वीक से लेकर बर्थ तक, यानी 9वीक से लेकर बर्थ तक जो चाइल्ड होता है, उसे फिटस बोला जाता है। नेक्स्ट एज है न्यूनेटल। न्यूनेटल किसे कहा जाता है? तो फर्स्ट फोर वीक का मतलब होता है 1 महीना या 28 डे ऑफ लाइफ का जो चाइल्ड होता है, उसे न्यूनेट बोला जाता है। नेक्स्ट इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता है 1 ईयर का चाइल्ड जो होता है, 1 ईयर चाइल्ड होता है, उसे इन्फेंट बोला जाता है। नेक्स्ट टोडलर। टोडलर किसे कहा जाता है? टोडलर 1 ईयर से लेकर 3 ईयर का जो चाइल्ड होता है, उसे टोडलर बोला जाता है। नेक्स्ट प्री स्कूल एज। प्री स्कूल एज का मतलब होता है स्कूल जाने से पहले की आयु जो होती है उस चाइल्ड की, वो होती है 3 से 6 ईयर होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन स्कूल गोइंग एज, यानी जब बच्चे को स्कूल रखा जाता है तो वो एज कैसी होती है? तो वो होती है 6 से लेकर 12 ईयर, यानी 6 साल से 12 ईयर के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट एडोलसेंट एज, यानी किशोरावस्था। 12 से 18 ईयर की एज जो होती है, उसे किशोरावस्था बोला जाता है, यानी एडोलसेंट एज बोला जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हर बार बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। नेक्स्ट वो क्वेश्चन है नॉर्मल बॉडी वेट एट बर्थ, यानी जन्म के समय बच्चे का वेट कितना होता है? तो होता है 2.5 kg से लेकर 3.5 kg तक होता है। इसे ही ग्राम में भी याद रखना बहुत जरूरी है, यानी 2500 ग्राम से लेकर 3500 ग्राम तक होता है। नेक्स्ट अंडर बॉडी वेट। अंडर बॉडी वेट कितना होता है? तो होता है 501 ग्राम से लेकर 250 ग्राम के मध्य में जो होता है, उसे अंडर बॉडी वेट बोला जाता है। अंडर बॉडी वेट का चाइल्ड बोला जाता है। नेक्स्ट वेरी लो बॉडी वेट, यानी सबसे कम वेट का बच्चा, तो वो होता है 1500 ग्राम से भी कम उसका वेट है, तो उसे वेरी लो बॉडी वेट बोला जाता है। ऐसा क्वेश्चन आते हैं कि अंडर वेट, अंडर बॉडी वेट कितना होता है, तो आपको जवाब देना है 1500 से लेकर 2500 ग्राम के बीच में होता है। नेक्स्ट है वेरी लो, तो 1500 ग्राम से कम चाइल्ड होता है, तो उसे वेरी लो बॉडी वेट का चाइल्ड बोला जाता है। नेक्स्ट एट बर्थ लेंथ। अब लेंथ का क्वेश्चन बैठता है, तो जन्म के समय बच्चे की लेंथ कितनी होती है? तो होती है 47 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर तक होती है, 47 से 50 सेंटीमीटर तक होती है। नेक्स्ट है 1 वर्ष की आयु पर लेंथ। एट बर्थ पूछी जाती है, एक वर्ष की आयु पर पूछी जाती है, तो 1 वर्ष की आयु पर जो लेंथ होती है वो 75 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, नेक्स्ट है 4 वर्ष की उम्र में लेंथ कितनी होती है? तो 4 वर्ष की उम्र में आपको जवाब देना है, बच्चे की जो लेंथ होती है 4 वर्ष की उम्र में, वो 100 सेंटीमीटर हो जाती है, यानी 2 गुना हो जाती है, बर्थ के 2 गुना हो जाती है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बर्थ के मतलब कि 2 गुना लेंथ कब होती है बच्चे की 2 गुना लेंथ कब होती है? तो आपको देना जवाब देना है 4 वर्ष की उम्र पर बच्चे की लेंथ 2 गुना हो जाती है, यानी 100 सेंटीमीटर हो जाती है। यानी बच्चे की लेंथ अगर बर्थ के समय 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी 2 गुना वो 4 वर्ष की उम्र पर, यानी 100 सेंटीमीटर हो जाती है 4 वर्ष पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हेड सरकमफेरेंस, यानी सिर की परिधि। सिर की परिधि से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जन्म के समय जो सिर की परिधि होती है, यानी हेड सरकमफेरेंस होता है, वो 33 सेंटीमीटर से लेकर 35 सेंटीमीटर के बीच में होता है, 33 सेंटीमीटर या 35 सेंटीमीटर। उसके बाद 3 माह की उम्र पर जो हेड सरकमफेरेंस होता है वो 40 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट 12 माह की उम्र पर जो हेड सरकमफेरेंस होता है, यानी 1 साल की उम्र पर होता है, 45 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन आता है हेड सरकमफेरेंस 3 माह की उम्र पर कितना होता है? तो आपको जवाब दे रहा है 40 सेंटीमीटर, वही 1 साल की उम्र पर तो 45 सेंटीमीटर आपको जवाब देना है। नेक्स्ट चेस्ट सरकमफेरेंस। चेस्ट सरकमफेरेंस जो नॉर्मल होता है वो 30 से लेकर 33 सेंटीमीटर तक होता है। चेस्ट सरकमफेरेंस जो होता है 30 से 33 सेंटीमीटर तक होता है, यानी 12 से 13 इंच होता है। ठीक है, नेक्स्ट जन्म के समय यह हेड सरकमफेरेंस से कम होता है। अब चेस्ट सरकमफेरेंस जो होता है वो हेड सरकमफेरेंस से जन्म के समय कम होता है। ठीक है, अब ये कंसेप्ट आपको याद रखना बहुत जरूरी है, 1 वर्ष की आयु में यह हेड सरकमफेरेंस व चेस्ट सरकमफेरेंस क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हेड की परिधि और चेस्ट की परिधि होती है ना, वो 1 वर्ष की आयु पर बराबर हो जाती है चाइल्ड में, वो होती है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 45 सेंटीमीटर है 12 माह की उम्र पर, तो यहाँ पर 45 सेंटीमीटर है 1 वर्ष पर। चेस्ट सरकमफेरेंस तथा हेड सरकमफेरेंस बराबर हो जाते हैं, क्वेश्चन आता है।
नेक्स्ट है, 6 माह की एज पर शिशु का वजन जन्म से 2 गुना हो जाता है, यानी 6 मंथ की एज पर शिशु का वजन जो होता है वो जन्म से 2 गुना हो जाता है, यानी शिशु का वजन यदि 2.5 किलो से 3 किलोग्राम तक है तो 5 से 6 किलो तक हो जाता है, यानी दुगना हो जाता है। नेक्स्ट है, 1 वर्ष की आयु पर, यानी पहले 6 महीने से अब 1 वर्ष की उम्र पर शिशु का वजन जन्म से 3 गुना हो जाता है, उससे 3 गुना हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है, 2.5 वर्ष की उम्र पर शिशु का वजन जन्म से 4 गुना हो जाता है, यानी 10 से 12 केजी हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिशु का वजन बर्थ के 4 गुना कब होता है, तो आपको जवाब देना है 2.5 वर्ष की उम्र पर, ये सब महीने में पूछ सकता है, जो आपको कन्वर्ट करके लिख देना होता है, ठीक है। इस प्रकार अपन आज पीडियाट्रिक नर्सिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। अब वीडियो पर यदि पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना तथा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।